दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। निदा फजल भी क्या कमाल के पोएट थे और क्या लिखते थे, और बिल्कुल सच है, अगर हम किसी चीज को जिंदगी में पाना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत से उसे पाने में लग जाते हैं, लेकिन जब वो चीज हमें मिल जाती है तो उस चीज को हमारी जिंदगी में बरकरार रखने के लिए कोई मेहनत नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं। यू नो गाइस, किसकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, किस रिलेशनशिप में झगड़े नहीं होते, सबके रिलेशनशिप में होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सबको लगता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बिलीव मी, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। झगड़ा कर लो, चिल्ला लो, जस्ट लेट योर इमोशंस आउट, मन में मत रखो। वेल, अनन्या जिसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ, हमारी आज की कहानी है अनन्या की कहानी। वेलकम टू ये है आशिकी सीजन 2 स्यापा इश्क का। लेट्स वॉच अनन्या स्टोरी। पहले से समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या मैं, सीरियसली अब तो कब करूं, करूं क्यों ना। नीता हेल्प मी सो डू समथिंग। गुड मॉर्निंग मैम। गर्ल्स इज इट डन इन माय कैबिन नाउ। ओह माय गॉड, वेट, जल्दी करो नन्या, क्या कर रही हो? चल लेट्स गो। Earn your salary, Manish. मुझे problem नहीं, solution चाहिए. That too within an hour, okay? सारे interns में से तुम तीनों की reports सबसे positive हैं, और इसीलिए मैं तुम्हें a lifetime opportunity देने वाली हूँ. Okay. A new celebrity is going to join us, और मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों में से कोई एक उस celebrity को internship से आगे बढ़कर independently manage करे. Okay then, let's go. पॉपुलेशन इतना कंट्रोल में कैसे आ रहा है? आप ही बताओ। क्योंकि तब सिर्फ बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, आजकल हस्बैंड वाइफ भी इसी में लगे हुए रहते हैं। गुड वन अभी। Ananya, what a pleasant surprise! तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम दोनों ने काफी वक्त बिताया है साथ में। Avi, please, वो गैराज वाला जोक सुनाओ ना। It's so funny. It's my favorite. Please. Just favorite. All right. एक बार एक पार्क में कपल बैठा, ओके, अचानक से हवालदार आया और कहने लगा, यहाँ पे चुम्मा चाटी अलाउड नहीं है। बंदा डर गया, कहने लगा, सर हम शादीशुदा है। हवालदार, शादीशुदा है तो घर पे जाके करो। बंदा, सर इनके हस्बैंड अलाउ नहीं करते। मैं आ रहा हूँ। अब प्लीज मिस। ओके मिस पड़ाकू। हाय। हाय। तुम्हारे माँ पूरन की रचना पूरी हुई? क्यों, तूने तो पढ़ना लिखना छोड़ ही दिया है। अच्छा सुन, कल के सबमिशन के लिए प्रोजेक्ट बनाया? कल का सबमिशन? ओह डैम। कभी तो लाइफ में सीरियस हो जा, कभी तो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिया कर यार। तू अब भाषण मत दे यार, मैं क्या करूंगा? आई डोंट नो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्रीटी प्लीज। ऑलराइट, मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऐसे है, मैं कर ले आऊंगा। तू मेरी जान है, मेरी जाने जहान है। थैंक यू सो मच। जाना है कि नहीं? हम लोग सब वेट कर रहे हैं। जस्ट क्या मुझसे परमिशन लेगा क्या? जाना पक्का। थैंक यू। सो सॉरी। अच्छा एक बात बता, तू कैसे उस पड़ाकू के साथ हैंगओवर करता है यार?
ओए कुछ भी बकवास मत करो, अनन्या मेरी कोई ऐसी वैसी दोस्त नहीं। ओके अनन्या मेरा वो म्यूचुअल फंड है जिसमें 2 रुपए डालो तो 100 रुपए बाहर निकलते हैं भाई। कैसे? अरे उसके साथ सिर्फ 10 मिनट टाइम पास करो ना, मुझे किसी कॉलेज प्रोजेक्ट को सुनना भी नहीं पड़ता। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स गाइस, हैव यू हर्ड? सुबह क्या खा के आती है यार? प्रोफेसर त्रिपाठी के लेक्चर में जगी रहती है। मैडम आपका सीक्रेट क्या है? अभी ये ले, कल के सबमिशन के लिए तेरा प्रोजेक्ट। मैं तो भूल ही गया, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? भिखारियों की लाइन में भी सबसे पीछे खड़ा रहता। अभी कम ऑन यार, प्रोजेक्ट के लिए झूठे बहाने बनाना बंद कर। तू सच बोल देता तो भी मैं तेरा प्रोजेक्ट बना देती, यू नो दैट। अरे अनन्या, अनन्या क्या हो गया तुझे, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? अच्छा याद है, टाइम पास के बदले प्रोजेक्ट बना देती है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और अभी जब म्यूचुअल फंड से इतना इंटरेस्ट आ रहा हो ना तो उसे तोड़ा नहीं करते, संभाल के रखते हैं। तुझे नहीं समझ आएगा शायद। अनन्या प्लीज डोंट टेल मी कि तू मेरी कल की बकवास को सीरियसली ले रही है। अच्छा बकवास वो थी या अभी बकवास है? कहने दे अभी, मुझे अपना और मजाक नहीं उड़ाना। ओके प्लीज अनन्या, प्लीज रो मत यार। देख तू तो जानती है मैं गधा हूँ, मैं लोगों को हंसने हंसाने के चक्कर में कुछ भी बोल देता हूँ, तू ऐसे सीरियसली कैसे ले सकती है? रहने दे अभी। अनन्या रुको, पागल हो गई है तू? हमेशा इसे भाग क्यों जाती है? अगर तुझे मेरी कल की बात पसंद नहीं आई तो मुझे आके एक चप्पेड़ मारती, गुस्सा करती। हक है तेरा यार। ओके और ऐसे जोक्स को सीरियसली कौन लेता है? प्लीज अनन्या तू पागल हो गई है। हाँ अभी पागल हो गई, यू राइट, मैं पागल ही हूँ जो तुझे हमेशा इतना सीरियसली लेती हूँ और तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। थैंक यू। अनन्या मैं बहुत सारे जोक्स मारता हूँ, कुछ इतने बुरे कि मुझे खुद को भी हंसी नहीं आती। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि लोग मुझ पर हंसते हैं कि मेरे जोक्स पर। लोगों के लिए मैं सिर्फ एक फनी गाय हूँ जिसे कभी कोई दुख नहीं होता, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, सिवाय एक इंसान के, एक ऐसी लड़की जो मेरे जोक्स के पीछे मेरे डैड से हुई मेरी लड़ाई समझती है, जो मेरे मजाक के पीछे मेरे टेंशन को समझ लेती है। कभी कभी मुश्किल से मुश्किल बात कह देना बहुत आसान हो जाता है, कभी कभी सबसे सबसे इजी बात कहने में हम बहुत टाइम लगा देते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी उन टिपिकल लड़कियों की तरह समझाना पड़ेगा, तुम्हें भी मुझे आई लव यू अनन्या कह के बताना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहे हो? आई लव यू। अनन्या हम लोग कॉलेज में साथ में थे। ऑलराइट अभी
The personal manager, you're okay with it? Of course. Plan अच्छा है, but क्या मैं मेरा manager खुद चुन सकता हूँ? Yeah, sure, of course. Go ahead. Okay. So I was thinking that why not Anand? मैं इसे कॉलेज से जानता हूँ, काफी स्मार्ट है, very hard working. और अनन्या को, I mean, उसने मुझे कॉलेज में बहुत भगाया था. तो मुझे मौका मिला है तो रनिंग शूज ये पहने, right अनन्या? वैसे भी I like choosing my own toys. Okay then, हम कुछ contract की formalities discuss कर लेते हैं. Oh, sure. Ananya, you stay. So, Avi, contract ek saal ka hoga and iske liye mujhe aapke kuch details chahiye honge. Ek minute. Ananya, mere decision se khush nahi lag rahe. Ananya, you're not happy? No, I'm fine. Mujhe koi problem nahi hai. I think it's fine, Avi. Ananya is your new manager. I'll just get the contract going. So, Miss Parati, chashma kahan gaya tumhara? Ab main lenses pehenti hoon. Waqt ke saath kafi badal gayi ho. Nice. Yes, kafi badal gayi ho. Aur tum yahan kyun aaye? आया नहीं, बुलाया गया. तुम्हारी एजेंसी मेरा काम हैंडल करना चाहती, और अब यहाँ आ गया हूँ तो सोच रहा हूँ मजा आएगा. सारे पुराने हिसाब सेटल हो जाएंगे. वैसे कौन से हिसाबों की बात कर रहे हो तुम? और तुम मुझे बताओगे क्या करना है? बताऊंगा नहीं. तुम लोगों को भगाने का बहुत शौक है ना, अब मैं भगाऊंगा. मेरी बारी है. Pay back time. कहाँ जा रहे हो? बात खत्म करो अपनी. जब कहना था तब तुमने सुना नहीं. अब मुझे कहने की जरूरत नहीं. कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दें. दिस इज जस्ट नॉट फेयर. इमेजिन अनन्या, पर इतना बड़ा क्लाइंट, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, मेरा दोस्त निकलता तो काम करना तो पार्टी बन जाता. रोज हैंग आउट करते यार. हैंग आउट, पार्टी, मेरे लिए सजा है यार ये सब. अभी मेरा कोई दोस्त नहीं है. He's my ex. What? Yeah. और ये सब मुझे मैनेजर चूज करना, ये सब ईगो का गेम है. पहले मैंने उससे ब्रेकअप किया था और अभी उसने मुझे चूज किया है ताकि वो मुझे टॉर्चर कर सके और मैं कुछ ना कर पाऊँ. I'm so stuck यार. हाँ वो तो है, पर सोच ले अनन्या, ये एक्स वाले चक्कर में ना बहुत वाइज होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता. वो बॉस होगा तेरा, रोज क्लास लेगा तेरी. I don't care. देखती हूँ क्या करता है. जवाब देना मुझे भी आता है. अगर ये पहन के स्टेज पे गया ना तो खुद एक मजाक बन जाऊंगा. अनन्या, आई एम अ कॉमेडियन, नॉट अ जोकर. ओके, मेरी परफॉर्मेंस के पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भिजवा दें. ओके.
कल सुबह शार्प 9 एएम। ऑलराइट। श्योर सर। कल सुबह 9 बजे ड्रेस ट्रायल करना चाहता है यार। पागल है क्या वो? 12 बजे है रात को। आपके कॉस्ट्यूम ट्रायल की सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं। आपके पिकअप के लिए गाड़ी भिजवाऊं? नहीं, डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा। हेलो अनन्या, वेयर आर यू? लिसन नताशा, मैम बहुत गुस्से में, अभी के अभी स्टूडियो पहुंच। हाँ हाँ, मैं भी आती हूँ, मैं भी आती हूँ। मैम मैम अनन्या, वेयर द हेल वर यू? मैम आई एम सो सॉरी, फोन बैग में। सॉरी माय फुट, अभी का लास्ट मिनट गिग प्लान होता है और तुम गायब, तुमने फोन ही नहीं उठाया। इतनी प्रॉब्लम्स, इतना मेस, इतना फियास्को, ऑल बिकॉज ऑफ यू। यू नो व्हाट, ये जो सब लॉसेस हुए, ये कंपनी नहीं तुम भरोगी। यू मेस इट अप, यू क्लीन इट अप, राइट? ओह ओह ओह, द स्टार इज हियर। तो ये है तुम्हारे बेस्ट मैनेजर्स? हां, टाइम पे फोन भी नहीं उठाते। अभी डार्लिंग, ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। यू नो व्हाट, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस डार्लिंग। यू नो इट्स ओके, एंड आई प्रॉमिस यू, अब से कोई भी मेस नहीं होगा। अनन्या। यस मैम। यू बेटर टेक केयर ऑफ अभी, ओके? यस मैम। आई विल सी यू ऑन द फ्लोर, ओके? आउच, दैट हर्ट। सो ये है तुम्हारा वीक पॉइंट। मैं तुमसे डरती नहीं हूं अभी, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो अपनी ये ना स्टूपिड हरकतें करना बंद करो। मूव। नहीं हटू तो सिट। क्या करोगे? हाँ, लाइफ खराब करोगे मेरी? एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया, एक बार तुम कर चुकी हो तो अब मेरे भी तो बारी आनी चाहिए, राइट? मैं वो पुरानी वाली अनन्या नहीं हूं जो बेवकूफों की तरह तुमसे प्यार करती थी। आहा, तुमने मुझसे प्यार किया था? आई डोंट थिंक सो। यार राइट, लुक हूज टॉकिंग, जैसे तुमने मुझसे बहुत प्यार किया। आई रियली लव्ड अ लॉट। तुम झूठ बोल रहे हो अभी, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। अगर करते तो वो सब नहीं करते जो तुमने किया। Do you even know तुमने मुझे कितना हर्ट किया? तुम दर्द की बात नहीं करो तो अच्छा है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और क्या कुछ करना चाहता था। एक दिन तुम ऐसे बिना बताए चली गई, एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं अभी की मैनेजर हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी की मैनेजर हो? मैनेजर हो और अपने क्लाइंट के बारे में इतना भी नहीं जानती? अभी अभी तुमने इसे बताया नहीं? I'm Avi's girlfriend. एक यही तो है जिसने अब तक मेरा साथ दिया। What? Can you leave us alone? Yeah. I'm sorry. ऐसा कैसे कर सकता? I just don't get it. क्या हुआ है तुझे? कुछ बोलेगी तू? उसको अभी भी डेट कर रहा है यार। कौन डेट कर रहा है? किसे डेट कर रहा है? अभी सोनिया को यार। अभी सोनिया को डेट करे या ना करे, how does it matter to you? You don't know Neeta, कि उस दिन हुआ क्या था? क्या हुआ था? ग्रेजुएशन पार्टी की शाम थी, हम लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्लब गए थे पार्टी करने के लिए। नेक्स्ट डे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था, इसलिए मैं पार्टी से जल्दी घर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं इंटरव्यू खत्म करके अभी के घर पहुंची, तो मैंने देखा हाय अनन्या। अभी के घर पे क्या कर रही हूँ? वो एक्चुअली ना कल रात को पार्टी इतनी देर तक चली कि अभी ने कहा यही रुक जाओ। That's why I'm here. Come, come in. हाँ, I don't think अभी अब तक उठा है। Come. तुम अभी की शर्ट में क्या कर रही हो? I'm really sorry अनन्या, actually कल रात हमने बहुत ज्यादा पी थी, हमारे इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस। आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंड, मतलब हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, यू नो। चिल, डोंट फील सो बैड, कम इन ना, अंदर आके बात करते हैं। अभी स्टिल स्लीपिंग, उठा लेंगे हम अभी को। कम, लिसन प्लीज, डोंट फील बैड, आई एम सॉरी। जॉब यार, ऐसा कैसे कर सकता था वो? और क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसने इस चीटिंग का? मैंने उसके बाद उससे बात नहीं की। अनन्या, तुझे ना उसे इंसल्ट करना चाहिए था, थप्पड़ मारना चाहिए था, जाने कैसे दिया तूने उसे? नहीं यार, उसके बाद मैं उससे मिली भी नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी मैं। उसने मुझे हजार बार फोन किए, मैंने उसका कोई फोन नहीं उठाया। आई डिडंट वांट टू टॉक टू हिम। एक मिनट, अनन्या, तू उसके बाद उससे नहीं मिली, फोन भी नहीं उठाया। नो, व्हाट आई मीन इज कि उस दिन जब तू अभी के घर गई तो सोनिया वहां थी और अभी भी, मतलब दोनों साथ में थे, तूने साथ में देखा दोनों को, राइट? नहीं, साथ में नहीं देखा। तो अभी वहां था या नहीं? मैंने नहीं देखा। तो अनन्या, ये भी तो हो सकता है कि सोनिया झूठ बोल रही हो। आई मीन, अभी तुझे फोन कर करके यही बताना चाहता हूँ कि आप
एवरीथिंग का। जब कहना था तब तुमने सुना नहीं, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक पल में तुम ऐसे ही बिना बताए चली गई। माय गॉड ऐसी, ओह माय गॉड, इसीलिए वो मुझे बार बार फोन कर रहा था नीता। I need to call him. I think मुझे उससे बात करनी चाहिए। I need to call him. Wait. It's okay, realization हुआ है, but it doesn't mean तू उसे फोन करेगी। तेरा पास था, और आज तो देखा सोनिया उसकी girlfriend है, और वैसे भी यार, it's gone. अब तुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है नीता, of course मुझे फर्क पड़ता है। अभी मेरे boyfriend से पहले मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे उससे बात करनी है, okay? अनन्या एक बार सोच ले, अभी अब सिर्फ तेरा एक्स बॉयफ्रेंड ही नहीं, हमारी कंपनी का क्लाइंट भी है। I don't think I care. आज से तुम अभी का केस हैंडल नहीं करोगी, ओके? क्यों? अभी की गर्लफ्रेंड का फोन आया था और वो तुम्हें अभी के आसपास भी नहीं देखना चाहती है। ऑलराइट, तो अभी के सारे पेपर्स मुझे हैंड ओवर कर दो और अभी के इवेंट में मैं खुद जाऊंगी। बट मैम, मैं एक बार अभी से बात करके देख सकती हूँ। आई सेट यू आर ऑफ इट। क्या हुआ? ब्लडी हेल यार, पता नहीं समझती क्या है अपने आप को। मुझे अभी के केस से हटा दिया यार। किसने? नताशा ने? नहीं नीता, सोनिया ने। What? Yes. पता है उसने नताशा को फोन करके क्या बोला? धमकी देती है कि अगर मैं अभी के आसपास दिखी तो उसकी एजेंसी चेंज करा दूं। Are you serious? तो समझ रही इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रही है, वो चाहती नहीं है कि मैं और अभी मिलूं। वेट, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या करने वाली है तू? अभी से बात। नो, यस नीता, मुझे अभी से बात करना बहुत जरूरी है। आज तो क्रेजी है अनन्या, मजाक नहीं है ये। अपने करियर के साथ रिस्क नहीं ले सकती। पास्ट में क्या हुआ, जस्ट गेट इट, भूल जाना, जिस रिश्ते से निकल चुकी है उसे। तो क्या फर्क पड़ता है कि तब क्या हुआ था? नहीं नीता, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है यार। I still love him. नीता, अगर मैंने उस दिन सोनिया की बात सुनके अभी को नहीं छोड़ा होता तो मेरा ब्रेकअप कभी होता ही नहीं। मुझे उससे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज मैं ये नहीं कर पाई तो कभी नहीं कर पाऊँ। यार प्यार नहीं हो सकता तो कम से कम नफरत तो ना हो। I need to go. What the hell are you doing here? मैंने तुम्हें यहाँ पे आने के लिए मना किया था। मैम मुझे सिर्फ दो मिनट अभी से बात करना। जाओ यहाँ से। मैम मुझे सिर्फ दो मिनट बात करनी है। I really need to talk. मैंने तुमसे कहा था I don't want this girl here अभी। और मैंने एक कॉफी मांगी थी। Where's my coffee? Sonia, I'm handling this. Ananya, just go. तुम मैम मुझे सिर्फ दो मिनट जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ दो मिनट बात करनी है अभी से। Really don't expect this from you. What? सुनती क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनन्या प्लीज डोंट क्रिएट अ सीनियर, जस्ट लीव। यार नताशा, व्हाट द हेल, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ये क्या मैनेजमेंट है? सीनियर
अनन्या क्या है? हबीब मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या बात करनी है तुम्हें? अभी मुझे तुम्हें बताना था कि मैंने तुमसे बात करना क्यों बंद किया। क्यों? अभी तुम रिलैक्स करो। Why are you taking so much stress? सोनिया, please, just एक मिनट, let me just talk to her, ठीक है? क्या? अभी याद है उस रात हम लोग क्लब में पार्टी कर रहे थे? हाँ तो क्या? और नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा एक इंटरव्यू था इसलिए मैं घर जल्दी चली गई थी। हाँ तो? उसके बाद क्या हुआ था अभी? उसके बाद क्या हुआ था? उस रात को काफी लेट हो गया था। मैं सोनिया और उसकी फ्रेंड को घर छोड़ने वाला था, बट दे वर ड्रंक, इसीलिए मैं उन्हें अपने घर लेके गया, उन्हें अपने कपड़े वपड़े दिए, दैट्स इट, और मैं रोहन के घर चला गया रहने को। उसके बाद बस और क्या? बस यानी कि कुछ नहीं हुआ था और तुमने मुझे ऐसे ही यकीन दिलवा दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पे चीट कर रहा है। व्हाट? अभी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं तुम्हारे घर आई थी और सोनिया ने दरवाजा खोला एंड यू नो व्हाट शी सेड? इसने कहा कि तुम दोनों उस रात और इसीलिए ये तुम्हारी शर्ट में। अभी शी इज लाइंग या नो? अभी आई एम नॉट लाइंग। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के जा सकती थी? रियली बेबी? बेबी ये झूठ बोल रही थी। She is lying, Abhi. Is this true? And don't you dare lie to me. Fine. I loved you. हाँ ये सच कह रही है। मैंने इसे कहा था we were having a scene, but मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। I wanted you, Abhi. Abhi, look at us. We look so good together. And you and she, you just don't make a pair, yeah? Abhi. Abhi, you need me. I deserve you, Abhi. Just... Abhi. Don't touch me. I love you. Ananya, why did you disappear? I never expected this from you, Ananya. What's wrong, Ananya? Come on, tell me. Talk to me. Ananya, देखो मेरी तरफ. क्या हुआ? बताओ मुझे. मुझे लगा था कि अभी को सब सच पता चल जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा. लेकिन सच पता चलने के बाद उसने सोनिया से ब्रेकअप कर लिया और मुझे आज तक रीच आउट नहीं किया। I think he hates me. I love him. I really love him. तुम अभी से प्यार करती हो, you love him. But क्या अभी ने खुद तुमसे कहा है that he hates you?
So how can you be so sure about that? I don't know. उसने मुझे कोई फोन नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया और ना ही मेरा फोन उठा। मुझे ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। लोक अनन्या, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम अवि को छोड़कर गई थी बिना उसे कन्फ्रंट किए, राइट? और फिर उसने अपनी लाइफ में सोनिया को एक्सेप्ट कर लिया और सोनिया के साथ क्या हुआ वो तो हम सब ने देखा। सोनिया इतनी बड़ी फ्रॉड निकली, जो तुम्हारे ऊपर एक बार बीती वो अवि पर दो बार बीती। और अगर तुम वाकई उसे हेल्प करना चाहती हो, गो एंड फाइंड हिम, ढूंढो उसे, देखो कि वो कहाँ है। मुझे कुछ पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ परफॉर्म कर रहा है, I don't know anything. तुम जानना चाहती हो वो कहाँ है? Yes. I'll tell you. लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें काम पे वापस आना होगा। Will you do that? Yes, ma'am. Yes? Promise? Yeah. Okay. Cafe Bubblegum, कल रात 9 बजे। Just go and get him, girl. Thank you, ma'am. सॉरी मैम। अरे भाई बेचारे अच्छे खासे IIM IIT टाइप के बंदे को पाई की वाली बुलवानी हो तो उसकी शादी करा दो। अपने 3 साल के बच्चे को मैथ सिखाने के काबिल नहीं रहेगा। देखो भाई, शादी एक अच्छी खासी सोची हुई रचना है रेंट पे रहने वालों की घर लेने के लिए। साथ में सपने देखने का और उनके रास्ते ढूंढने का ट्रिक है शादी। ओके, वेल, जिंदगी बर्बाद करनी हो तो रिलेशनशिप में पड़ जाओ। अगर जिंदगी के असली मायने जानने हो तो प्यार करो। गाइस, रिलेशनशिप सबसे बड़ा जोक है। I know, you are funny. इसीलिए आज तक सबका मजाक बनाऊं। फिर कभी नहीं अभी। I'm sorry. I don't care, Ananya. I love you. I hate you. तुम जितनी नफरत मुझसे करते हो ना, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। Get lost, Ananya. तुम हमेशा कहते थे ना, मैं सिचुएशन छोड़ के भाग जाती हूँ, बहुत इंस्टिंक्टिव हूँ, लोगों को हमेशा जज करती हूँ और फिर उसी को सच मानती हूँ। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? तुम्हें मेरी सारी प्रॉब्लम पता है। आई नो मैं थोड़ी स्टूपिड हूँ, बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, बट अभी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। पता है मैं तुमसे दूर भाग तो गई लेकिन तुमसे कभी अलग नहीं रह पाई। तो क्या प्लीज तुम मेरे साथ रह के मेरी प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? पागल हो तुम। आई नो आई एम फॉर यू। इसमें सुकून इसमें मजा, ये है भला ये है सजा, मुश्किल I love you। कम वक्त से I love you। You know guys,
अगर अनन्या को 2+2 करके कंक्लूजन पे पहुंचने की आदत ना होती तो वो कहीं ना कहीं अभी को अपनी साइड क्लियर करने का एक मौका तो देती और फिर ये सारी कंफ्यूजन ही नहीं होती और ना ही इन दोनों के बीच सोनिया के लिए कोई जगह बचती। एवरीथिंग वुड हैव बीन क्लियर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड यू नो व्हाट गाइस, कहीं ना कहीं हमारे ये जो हैप्पी गो लकी अवि है ये सडन ब्रेकअप के साथ डील नहीं कर पाया। इसीलिए तो कॉलेज से निकलने के बाद जब वो एक प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन बना तो उसके सारे एक्ट्स रिलेशनशिप पे बेस्ड होते थे। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन दोनों को जो सेकंड चांस मिला जरूरी नहीं कि वो आपको मिले। लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जितना इंपॉर्टेंट फेथ, जितना इंपॉर्टेंट ट्रस्ट है, उतनी इंपॉर्टेंट क्लैरिटी भी। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर एपिसोड और एक और नया स्यापा और एक नई कहानी लेकर। और यह है आशिकी सीजन 2 स्यापा इश्क का। ऐसी कहानियां और देखनी है? Well then, click below for more episodes from Bindaas ये है आशिकी। Click here for more shows from Bindaas और Bindaas से सारी अपडेट्स जानने के लिए click on the subscribe button.